हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब इकोनॉमिक्स। उम्मीद है तुसी सारे ठीक हो। अज इकोनॉमिक्स दे थर्ड लैक्चर विच आपां गल करांगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स दी, जिहदे अंदर आपां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ते इकोनॉमिक सिस्टम्स बारे जानांगे कि वह की हुंदा है। तो सब तो पहला आपां गल करदे हां मिसिज़ वूटन, जो कहंदे ने कि अगर 6 इकोनॉमिस्ट किते इकट्ठे हो जांदे ने तो उहनां दे 7 ओपीनियनज़ होणगे, 7 व्यू पॉइंट्स होणगे। उहनां दे कहिण दा मतलब है कि इकोनॉमिक्स एवें दा सब्जेक्ट है जिहदे ते किसी भी एक डेफिनेशन नूं लिमिट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे व्यूज़ ने, बहुत सारे इकोनमिस्ट ने जिन्हां दे अलग अलग व्यू ने, फिर भी आपां इहनूं एक तरीके नाल इस तरह लैके चलदे हाँ कि जो अपना सब्जेक्ट मैटर है, एक तरह के इकनोमिक सर्कल दे विच चलदे रहिंदे हाँ। आपां सारे एक इकनोमिक सर्कल नूं फॉलो करदे हाँ, इकनोमिक सर्कल कदे भी खत्म नहीं हुंदा। जिवें आपां देखदे हाँ, मान लो इत्थे वॉन्ट्स ने, वॉन्ट्स नूं पाउण लई आपां एफर्ट्स करदे हाँ, उहदे नाल अपनी जायदाद इकट्ठी हुंदी, जो भी आपां चाहुंदे सी आपां नूं मिल गया, उहदे नाल आपां सैटिस्फाई हो गए। एक चीज़ मिल गई आपां सैटिस्फाई हो गए, पर फिर एक अपनी एक नवीं इच्छा होर पैदा हो जाती है, उन्होंने पाने फिर आप एफर्ट्स करते हैं, फिर अपनी जायदाद इकट्ठी हो जाती है, फिर आप सैटिस्फाइड। इस तरह यह इकोनॉमिक सर्कल हमेशा चलता ही रहता है। हुण फिर भी सब्जेक्ट मैटर बारे जो मॉडर्न इकोनमिस्ट ने, सैमुअलसन ने, बॉल्डिंग ने, लेफ्टविच ने, ये कुछ मॉडर्न इकोनमिस्ट ने जिन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट मैटर की इनकलूड करता है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नूं अगर स्टडी किया जाए तो वह सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है। ए तो आप सब्जेक्ट आप पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर है, कि स्टडी होंगी इकोनॉमिक्स के अंदर। सो सब तो पहला आप गल करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होंगे ने जो स्कार्स रिसोर्सिज़ नूं यूज़ करके ह्यूमन वॉन्ट्स नूं सैटिस्फाई करदियां ने। हुण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे की प्रकार ने, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुंदी है इकोनमी दे विच, तां सब तो पहला है कंजम्पशन। कंजम्पशन दा मतलब है किसी चीज़ नूं यूज़ करना, मतलब किसी चीज़ नूं कंज्यूम करना, कंजम्पशन हुंदा है किसी इंडिविजुअल द्वारा या किसी ग्रुप ऑफ परसनस द्वारा। मान लो तुसीं कोई शर्ट लैंदे हो, तुसीं शर्ट नूं वीयर करदे हो, तां तुसीं कंज्यूमर होवोगे शर्ट दी। इहदा मतलब है कि तुसीं शर्ट दी कंजम्पशन कर रहे हो। उस तरह है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन दा मतलब हुंदा है लैंड, लेबर, कैपिटल एटसैट्रा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो इहनां नूं यूज़ करके जो भी किसी नवीं चीज़ का निर्माण किया जाता है, मैन्यूफैक्चरिंग की जाती है, उन्होंने प्रोडक्शन कहें। मान लो कि पानी पैसा बीज वगैरह का यूज़ करके खेती की जाती है तो खेती की प्रोडक्शन होएगी। उस तरह एक्सचेंज, जो चीज़ा आप प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स, उन्होंने बायर्स तक देना, उन्होंने खरीदना वेचना, उसको एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज के अंदर प्रोडक्ट प्राइसिंग ते फैक्टर प्राइसिंग आते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग होंगे प्राइस होना उस चीज़ का जो चीज़ तैयार हो चुकी है। मान लो तुसी शर्ट खरीदी, जो तुहाडे कोल शर्ट का प्राइस है वह प्रोडक्ट प्राइसिंग है। उस तरह फैक्टर प्राइसिंग है। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होंदा है कि जो उस शर्ट नूं बनाने विच फैक्टर्स लगे, कपड़ा लग्या होएगा, लेबर लगी होएगी, उन्हां दा की प्राइसिस है। मान लो कि एक प्लांट है जिथे शर्ट्स बन रही ने, उस प्लांट का जो फैक्टर प्राइस होएगा वह होएगा रेंट, जो एंटरप्रेन्योर या जो प्रोड्यूसर है वह दे रहा होएगा। अगर लेबर उन्दे विच यूज़ हो रही है तो जो लेबर लग रही है वह जो फैक्टर प्राइस होएगा वह वेज। इन बारे खोल के आप माइक्रो इकोनॉमिक्स अगे गल करांगे। हुण आपां गल करदे हां कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ दे ऑब्जेक्टिवस की ने, की मोटिवस ने। सो रागनर फ्रिश एक इकोनमिस्ट ने जिन्हां ने मेनली दो मोटिव दसे ने, प्रोपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिज एंड एफिशेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सिज। इन्हां दे बेसिस ते उन्होंने इकनॉमिक्स नूं दो पार्ट्स विच डिवाइड करता, माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स दे अंदर आपां स्टडी करदे हां किसी एक परसन या किसी एक फर्म या एक इंडस्ट्री की स्टडी करदे हां, उन्होंने प्राइसिस, डिमांड, सप्लाई जो भी है वो दी स्टडी नू माइक्रो इकोनॉमिक्स दे अंडर इंक्लूड किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दे अंडर आपां इंक्लूड करते हैं जो वड्डे लैवल ते जो स्टडी होंगी इकोनॉमिक्स की। मान लो इंप्लॉयमेंट है पूरे देश का एक मुद्दा है, अनइंप्लॉयमेंट है, महंगाई है पूरे देश का मुद्दा है, या पूरे वर्ल्ड का एक मुद्दा है, तो इनू मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकलूड किया जाता है। सो अगे आप गल करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स की, कि इकोनॉमिक सिस्टम्स ने जो वर्ल्ड इकोनमी विच फॉलो किए जाते हैं। सब तो पहले आप गल करते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिदे अंदर जो उत्थों दे लोग ने किसी भी कंट्री दे, वो फ्री हुंदे ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने लिए, की उन्होंने कंज्यूम करना है, की प्रोड्यूस करना है, की एक्सचेंज चल रहा है, किस रेट ते चल रहा है, वो सारा कुछ उन्होंने अपने हाथ में हुंदा है। केड़ी-केड़ी कंट्रीज़ इन्हां दी एग्जाम्पल्स ने, मान लो USA ते फ्रांस है, ये दो कंट्री ने कैपिटलिज्म सिस्टम इन्हां विच फॉलो हुंदा है। नैक्सट है सोशलिज्म।
सोशलिज़म वो इकनोमिक सिस्टम है जिहदे अंदर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट दे अंदर है, गवर्नमेंट कोल हुंदा है, उत्थों दे लोग फ्री नहीं हुंदे इकनोमिक एक्टिविटीज़ करन लई, जिवें चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा, एहो जिहियां कंट्रीज़ ने जिन्हां दे अंदर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट दा हुंदा है, उन्हां दा डिसीजन, गवर्नमेंट दा डिसीजन हुंदा है कि उत्थों दे लोग यूज़ करनगे, की प्रोड्यूस करनगे, की रेट चलेगा पूरी इकोनमी दे अंदर, ठीक है। उस तरह मिक्सड इकोनमी दी आपां गल करदे आ, मिक्सड इकोनमी दे अंदर अद्धा कंट्रोल गवर्नमेंट दा हुंदा है, अद्धी लोगों नूं फ्रीडम हुंदी है, मतलब कि पार्शली कंट्रोल हुंदा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट दा। इंडिया इहो जी कंट्री है जिथे पार्शली कंट्रोल है गवर्नमेंट दा, अद्धे तुसीं देखिया होएगा कई इहो जी इंडस्ट्रीज़ ने जिथे 50-50% ते इन्वेस्टमेंट हुंदी है, 50% गवर्नमेंट इन्वेस्ट करदी है, 50% लोग शेयर स्टॉक्स खरीद के इन्वेस्ट करते हैं। सो जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। उस तरह कई इकनोमिक पॉलिसीज़ की आप गल करते हैं, बहुत सारिया प्रॉब्लम्स फेस करनिया पैंदियां ने सारे तरह की इकोनमीज़ में, चाहे वह कैपिटलिज़म इकोनमी होए, सोशलिज़म इकोनमी होए, या फिर मिक्सड इकोनमी होए, अनइम्प्लॉयमेंट होगी, महंगाई होगी, ये सारे कुछ वड्डिया वड्डिया जो प्रॉब्लम्स ने, डिप्रैशन हो गया जिवें हुण COVID-19 करके सारी वर्ल्ड इकोनमी डिप्रैसड जा रही है, उस तरह इन्हां इकनोमिक पॉलिसीज़ की यूज़ करके इकोनमी नूं स्टेबल करन की कोशिश की जाती है, कि इकोनमी नूं ज़्यादा खतरा ना होए। इन्हां दे अंदर कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लगदियां ने, सब तो पहला है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक या किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल फाइनैंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूज़ करके अपनी पॉलिसीज़ लगा के, जिमें कि इंडिया में RBI द्वारा इंट्रस्ट रेट, रैपो रेट वगैरह चेंज किए जाते हैं, सो उन्हां द्वारा कंट्रोल किया जाता इकोनमी नूं। उस तरह फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट नाल रिलेटेड हुंदी है, गवर्नमेंट अपने खर्चे घटा के, खर्चे वधा के, पैसे नूं बाजार विच लिया के, इस तरह जो पॉलिसीज़ यूज़ करती है उसनों फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। उस तरह प्राइस पॉलिसी, किस तरह डिमांड वधाई जा सकती है कंज्यूमर की पूरे देश की, किस तरह इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स लई किस तरह टैरिफ्स लगा के प्राइसिस वधाए जा सकते हैं ता जो इंपोर्ट्स घट हो, ये सारी जो पॉलिसी है प्राइस पॉलिसी है। उस तरह इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी इंटरनेशनल ट्रेड नाल रिलेटेड हुंदी है, जो आपां पेमेंट्स करनिया हुंदिया ने फॉरन कंट्रीज़ नूं, आपां उन्हां तों इंपोर्ट करते हैं या आपां उन्हां तों जो रिसीट्स लैनिया हुंदियां ने, आपां पैसा लैना हुंदा, उहदे नाल इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिलेटेड है। इन्हां सारिया बारे आप माइक्रो इकनोमिक्स के अगले टॉपिक्स में खुल के गल करांगे। हुण आपां नैक्सट जो लैक्चर लगावांगे माइक्रो इकनोमिक्स के थ्योरी ऑफ डिमांड का लगावांगे। उम्मीद है तुहानू सारिया नू बेनीफिट हो रहा होएगा इन्हों वीडियोज़ तो, सो पढ़ते रहो इन्हों वीडियोज़ तो, कोशिश करते रहो समझन की, दोबारा अपनी बुक्स नू पढ़ो, नोट्स बनाने शुरू कर दो, नोट्स बनाओगे, सैल्फ नोट्स तैयार करो, किसी के नोट्स नू कॉपी ना करो, ये तुहाडे लई बेनीफिशियल होएगा। थैंक यू।